नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे फादर एक ट्राइबल चीफ थे और मैं कभी कभार उनके साथ ट्राइबल मीटिंग्स में जाता था। वहाँ ये होता था कि लोग ऐसे घेरा बनाकर बैठ जाते थे और डिस्कशन होती थी। अब मैंने वहाँ ये चीज़ नोट की कि मेरे फादर उस मीटिंग के हेड होने के बावजूद अपना पॉइंट सबसे आखिर में पेश करते थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप हेड हैं, आप हमेशा आखिर में क्यों बोलते हैं? जिस पर उन्होंने ये कहा कि एक लीडर की तमाम निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो सबकी सुनता है, सबकी राय लेता है और सिर्फ इसलिए फैसला नहीं सुना देता क्योंकि उसके पास पावर है। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि अगर तुमने पहले से कोई डिसीशन लिया हुआ है तो तुम दूसरों के पॉइंट सुनकर अपने उस डिसीशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके अपने उस डिसीशन को मजीद बेहतर कर सकते हो, और दूसरा ये कि अगर तुमने वही डिसीशन बरकरार रखना है तो उससे दूसरों को ये फीलिंग आती है कि हाँ, इसने हमारी बात सुनी और हमारी बात को इंपॉर्टेंस दी। दिस इज वॉट अ लीडर डज। और हम क्या करते हैं, हम अगर किसी से ऊंची पोजिशन पर होते हैं तो हम उनकी बगैर राय लिए अपना डिसीशन ऐसे ही सुना देते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं, लीडर या बॉस? जरा सोचिए।